ड्रामा सीरियल कलंक के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे सारा की फूफा सारा के लिए एक बुड्ढे का रिश्ता लेकर आती है, जिस पर सारा की माँ को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि आपा ये क्या बदतमीजी है, मेरी बेटी के लिए और कोई लड़का ही नहीं, क्या ये बुड्ढा ही रह गया है। सारा की फूफा कहती है कि इंसान 2 गज लट्ठा खरीदने भी जाए ना तो उसके दाग धब्बे देख कर खरीदता है, ये तो फिर इंसान है, और आंखों देखे मक्खी कौन निगलेगा। सारा की माँ कहती है कि बस आपा बहुत हो गया, अब मेरी बेटी की आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, जहाँ उसका नसीब होगा वहाँ उसकी शादी हो जाएगी। सारा की फूफा कहती है कि अब कोई महलों का शहजादा तो आने से रहा इसके लिए। दूसरी तरफ सरफराज और शीना आपस में बहस कर रहे होते हैं। शीना सरफराज को बताती है कि मीना उसकी शादी करवाने आ रही है। सरफराज कहता है कि क्या मीना आ रही है, तुम मुझे अब बता रही हो। शीना कहती है कि वो सिर्फ और सिर्फ हमारी शादी करवाने आ रही है। सरफराज कहता है कि तुम अपने होश में तो हो। शीना कहती है हाँ मैं होश में हूँ। दूसरी तरफ सारा के रोज रोज ऑफिस लेट पहुँचने की वजह से फारूक साहब तारा को डांट रहे होते हैं। दानियाल ये सब सुन लेता है। दानियाल कहता है कि इट्स ओके कोई बात नहीं। तो दोस्तों आप सबको क्या लगता है, क्या दानियाल सारा से मोहब्बत करने लगा है? कमेंट्स करके हमें जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।